तो आज के दिन की शुरुआत होती है नूर सिपन और अफसो को स्कूल छोड़ने के साथ। अभी दुकान बंद है, नूर सिपन और अफसो को स्कूल छोड़ने के बाद दुकान खोल लूंगा और उसके बाद छत पर जाके पैट्स खोलेंगे दोस्तों। आज नूर अफसो जल्दी आज स्कूल का टाइम हो गया है। लीजिए दोस्तों पहुंच गए। चलो बाय बाय नूर सिपन और अफसो, बाय बाय गाइस। नूर सिपन और अफसो को स्कूल छोड़ के आ गया हूं। अब चलिए इसको कौन खोल लेते हैं। ये ताला तो खुल गया, अब ये वाला ताला खोल देते हैं। तो दोस्तों दुकान खोली थी, 2:30 बजे तक मैं बैठा रहा, अब आ गए गाइस दुकान पर। अनस भाई अब चलते हैं पेट्स को देखने। तो दोस्तों मैं छत पर आ गया हूँ। इधर दोस्तों बर्ड्स अम्मी ने बाहर कर दी थी, धूप हो रही है ना दोस्तों, धूप में इनको बहुत मजा आता है। देखिए कितना मजा ले रही है, कितने मजा आ रहे हैं इनको। चलिए अब अपनी फिशेस को देख लेते हैं। फिशेस भी ठीक लग रही है दोस्तों, और ये वाली फिश तो बड़ी क्यूट लगती है गाइस। देखिए कैसे सांस ले रही है। टैंक में जितना भी कूड़ा होता है ना दोस्तों, ये उसे खा लेती है। और चाचे ने तो काम करना बंद ही कर दिया है दोस्तों। चलिए अब अपनी बर्ड्स की फीड रख देते हैं दोस्तों। इस पार्ट की फुल वीडियो यूट्यूब में चैनल के अंदर है, आप चैनल पे क्लिक करके वीडियो में देख लीजिएगा। फीड इसमें कर लेते हैं गाइस कुछ इस तरीके से, रख देते हैं अपनी प्यारी प्यारी बजीज के पास। गाइस ये तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है, शायद भूखी होंगी। चलो खा लो हमारी प्यारी प्यारी बर्ड्स, आराम से खा लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब दोस्तों अपनी फिंचेस की फीड रख देते हैं, ये भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। चलो चलो प्यारी फिंचेस की फीड रख देते हैं। ये आ गई जी फीड, अभी आराम से खाती रहेंगी। देखिए दोस्तों ये तो खाने भी लगी। अब गाइस चलिए छत पर चलते हैं। अरे गेहूं तो भूल ही गया, चलिए इनको उठा लेता हूं। ओ मासा गली मासा, गाइस ये तो पहले दिन क्या करते शायद हमारा। चलो आ जाओ उधर को, चलो चलो खाना खा लो। देखिए डक्स भी आ रही है, डक्स के लिए आज तो हम प्यूरी भी लाए दोस्तों। रैबिट्स को पहले गेहूं डाल देता हूं। ये देखिए गाइस अब तो हाथ से खाती है हमारी प्यारी प्यारी डक्स। दोस्तों आज तो अम्मी ने छत बिल्कुल साफ कर दी है, लेकिन शाम तक फिर से गंदी हो जाएगी। यह दोस्तों हमारी डक्स के लिए पूरी जल्दी से खिला देते हैं। आ जाओ प्यारी प्यारी डक्स इधर को आ जाओ। लो भाई साहब तुम्हें भी चाहिए, तुम भी खा लो। गाइस डक्स की इतनी सारी पूरी अभी भी बची है, बस थोड़ी सी खाई है उन्होंने। चलिए और शाम को खा लेंगी। अब दोस्तों रैबिट्स के बच्चे को भी पूरी खिलाकर देखते हैं, खाते हैं कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, लो पूरी खाओगे हैं। गाइस ये तो यहाँ पर जाके छुप गए। चलिए दोस्तों इनकी पूरी यहाँ पर रख देता हूँ, अपने आप आ जाएंगे और खा लेंगे, अभी डर रहे हैं। डक्स देखिए फिर से चलेंगे पूरी खाने। इधर हमने रैट्स के लिए राइस रख दिए हैं गाइस, देखिए अंदर खा भी रहे हैं वो। गाइस रैट्स पानी कम पीते हैं, इसलिए हमने राइस पानी में भिगो के दे दिया है उनको। गाइस एक दुखद खबर ये है कि हमारे छुटकू कबूतर मर गया है। ये देखिए ये है, मैं जब आया था दोस्तों ये भाई साहब यहाँ पे पड़े थे, बार बार अपने दरमे में से बाहर को आ जाते थे। शायद इसी ऐसे इन्हों और कबूतरों ने और रैबिट्स ने दबा दिया होगा। चलिए दोस्तों इनको दफना कर आते हैं। देखो नूर सिपा छुटकू कबूतर मर गया है।